नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने लोहित जिले के परशुराम कुंड के कोविड केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, क्वारंटीन सेंटर को लेकर लोगों के बीच गलतफहमी को जन जागरूकता के माध्यम से करना होगा दूर। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलगुन स्थित इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी में राज्य के दूसरे कोविड 19 जांच केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, इस केंद्र से शुरू होने से कोविड जांच की जल्दी मिलेगी रिपोर्ट। कोविड 19 पर गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों ने रुकसिन चेक गेट अस्पताल और बाजार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। सांसद तापिर गांव, विधायक निन्नो ईरिंग और कालिंग मोयम के दिशा निर्देशों ने सख्ती से पालन करने का दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले 14 अप्रैल को भी उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था और कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और लॉकडाउन को लेकर अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में 15 मई तक अपने विचार साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन के क्रमशः दी जा रही ढील के बाद उत्पन्न हो रही विभिन्न समस्याओं से निपटने की योजना का खाका बताने को भी कहा है। श्री मोदी ने कहा है कि जो कदम लॉकडाउन के पहले चरण में उठाए गए उनकी आवश्यकता दूसरे चरण में नहीं रह गई थी और इसी तरह तीसरे चरण के लिए किए गए उपायों की जरूरत चौथे चरण में नहीं रहेगी। इधर वंदे मातरम मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 49 उड़ानों के जरिए 31 देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल लोहित जिले के परशुराम कुंड में कोविड केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक चाउ जिग्नू नामचुम, जुम्मम अते देवरी और जिला उपायुक्त प्रिंस धवन मौजूद थे। इस अवसर पर श्री चाउना मेन ने कहा है कि कोविड 19 के संक्रमण को फैलने के लिए स्थानीय लोगों के बीच क्वारंटीन सेंटर को लेकर गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्हें जागरूक करना होगा। उन्होंने स्थानीय संगठनों से और अन्य राज्य के वापस आ रहे लोगों से प्रदेश के छात्रों और अन्य नागरिकों की कोविड जाँच और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखने के लिए सहयोग की अपील की। ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट आने से हमारे यहाँ भी फैल जाएगा नहीं, तो नहीं फैलने के लिए तो हमारा आइसोलेशन सेंटर बना। तो वहाँ में डॉक्टर नहीं हो तो प्रॉब्लम तो वही हो, तो इसलिए उसमें भी हम लोग एक नीति अपनाया है। तो आने वाले समय में उसका भी परेशानी दूर होगा, नर्सेस का भी परेशानी दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों ने जो जो मुझे बोला है इसी साथ ने जो मुझे ये दिए है, मैं इमीडिएटली आपका तो जन सुविधा का जो बिल्डिंग है 2 लाख का हमें इंतजाम कर दूंगा और जनरेटर का जो 2 लाख का है सुविधा कर दूंगा। उसके बाद एसपी की बिल्डिंग नाइट चौकीदार कुक एट रेसिडेंस और ऐसे वो 5 लाख का है, आयरन गेट है, ये जो 10.5 लाख है मैं एमएलए फंड से आपको दे दूँगा। बाकरो और मेधो की जनता ने एक मॉडल दिया है कि कैसे केस अगर कहीं आ भी जाए तो पेशेंट्स और काम के साथ हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अननेसेसरी का कोई भी प्रकार का रूमर मॉन्गरिंग नहीं हुआ। अननेसेसरी सोशल मीडिया में, फेसबुक में, कहीं इधर उधर व्हाट्सएप में कोई अननेसेसरी का मैसेज नहीं हुआ। जो भी जनता को प्रॉब्लम हुआ उन्होंने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, लोकल लीडर से बात किया और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसी का दौरान ओवरनाइट हमको विद इन वन डे पासीघाट से नए मेडिकल ऑफिसर का ज्वाइनिंग हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलगुन स्थित इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी IRL में राज्य के दूसरे कोविड 19 जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस नए केंद्र में ट्रूनाट मशीन के जरिए त्वरित गति से टेस्ट किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई 3 ट्रूनाट की 3 मशीनें इस केंद्र में लगाई गई है। केंद्र का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बहुत जल्द ही थोड़े समय में ही टेस्टिंग सेंटर तैयार कर लिए जाने के लिए विभाग को बधाई देते हुए कहा कि इससे नाहरलगुन स्थित ट्रिम्स के जाँच
केंद्र पर भार कम होगा। उन्होंने विभाग के सभी कर्मियों से इस कठिन समय में टीम भावना के साथ काम करने की अपील की। श्री लिबांग ने इस दौरान IRL केंद्र और TB ड्रग स्टोर का भी निरीक्षण किया। ईस्ट सियांग जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों ने आज रुकसिन चेक गेट, अस्पताल और बाजार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सांसद तापुर गांव, विधायक निन्नोंग ईरिंग, कालिंग मोयोंग, जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह और ADC कापित अपांग ने चेक गेट पर जिले में प्रवेश करने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग, वाहनों के सैनिटाइजेशन और बाजार क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का निरीक्षण किया। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सीओमी, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग और दिबांग वैली सहित प्रदेश के कई महत्वपूर्ण इलाकों में दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने को भी कहा। ये रुकसिन गेट है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट का एंट्री पॉइंट है, सीओमी, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, आंजो, नामसाई, चांगलांग, पूरा सारे एंट्रेंस यही से है। और यहाँ क्वारंटाइन भी वेल प्रिपेयर है, और एनी इवेंचुअलिटी कोविड का एनी इवेंचुअलिटी उसके लिए भी पासघाट हॉस्पिटल में, आयुष हॉस्पिटल में पूरा तैयार है। आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक, ऑल द सिटीजंस, ऑल द पीपल टू जॉइन हैंड विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी शुड ऑल वर्क टुगेदर टू फाइट दिस कोविड-19। राजधानी क्षेत्र जिला पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने मीडिया से धारा 144 के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू धारा 144 का पालन कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। श्री आमो ने कहा है कि पुलिस लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। तो मेरा कल से इतना सीरियस मेथड नहीं है। यहाँ कैपिटल में 7 बजे के बाद ऐसे घूमना मना है। आप अगर मेडिकल इमरजेंसी में जा रहा है, डिलीवरी केसेस में जा रहा है, या आप मीडिया पर्सन है, या आप पुलिस का है, या मजिस्ट्रेट का, या मेडिकल का है, जो अपना ड्यूटी, क्योंकि ये सब रात भर ड्यूटी करते हैं, तो वो अपना ड्यूटी कार्ड दिखा के या अपना आई कार्ड दिखा के इनको हम जाने दो बोलता है सब पुलिस वालों को। घर में खाना पीना पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉयज है, उनको भी अगर उनका आई कार्ड साई कार्ड ठीक ठाक ही जाने दो, बाकी किसी को भी जाने नहीं देना है। पब्लिक जो है थोड़ा कोऑपरेट करना जरूरी है, नहीं तो देखिए कोरोना बढ़ा है, ईटानगर में आ जाएगा। आप लोग अच्छे से पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का, मेडिकल का साथ नहीं देने से। 1 घंटा पहले 7 बजे से जब आपका 144 लागू होता है इवनिंग को, उससे 1 घंटा पहले 6 बजे से दुकान बंद होना है। सिमिलरली जब 144 खत्म होता है सुबह, तो उसका 1 घंटा बाद ही दुकान खुलना बोल के ना, तो गली गली में खुला है बोल के हम पता चला है, लेकिन वहाँ पे अगर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो मेरा ख्याल से इतना सीरियस मेथड नहीं है। कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके लोगों से भेदभाव न करने की अपील करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को सामान्य और स्वस्थ माना जाना चाहिए। देशभर में कोविड-19 के संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों के साथ दूरी बनाए जाने और रिपोर्ट की दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा है कि जिनको चिकित्सकों और नर्सों ने स्वस्थ होने के बाद ताली बजाकर अस्पताल से रिलीज किया, उनके साथ समाज के सभी वर्गों को सहयोग करना चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से भी जल्द स्वस्थ हो सके। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। और दूसरा मानसिक, मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है, देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे।
लॉकडाउन के बीच लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में किसान धान की खेती लगा रहे हैं। धान की खेती में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध जीरो वैली के किसान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धान की रोपाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के साथ कृषि गतिविधियों को जारी रखना समय की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज में रहने वाले लोगों के सामने वैसे तो कई चुनौतियां हैं। वहीं लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के बीच सरकारी मशीनरी भी लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री सहित दूसरे जरूरी सामान भी बिना देरी उपलब्ध कराई जा सके। पेश एक रिपोर्ट। राज्य की भौगोलिक संरचना कुछ ऐसी है कि कई इलाकों में पहुँचना आसान नहीं। राज्य के कई इलाके जो सीमावर्ती हैं लेकिन वहाँ सड़क के रास्ते पहुंचा नहीं जा सकता। लॉकडाउन के बाद राज्य भर में ज़रूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और ऐसी ही कई योजनाओं के जरिए निशुल्क राशन, गैस के सिलेंडर और दूसरे ज़रूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में करीब 13 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हेलीकॉप्टर के जरिए चावल और दाल के साथ साथ दूसरे ज़रूरी सामानों, दवाइयों आदि की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय वायुसेना और एक निजी विमान कंपनी के हेलीकॉप्टरों के जरिए अब तक 1300 कुंटल से ज्यादा राशन और दूसरी जरूरी सामग्री इन इलाकों में पहुंचाई जा चुकी है, जबकि पूरे राज्य में 32,000 से ज्यादा LPG सिलेंडरों की धनराशि लोगों के खाते में पहुंच चुकी है। कठिन दिनों के इस दौर में भी आवश्यक सामानों को समय पर पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। ज़्यादातर जो है हम लोग का चावल है, आटा है, दाल है और कुछ चीज़ जो है आपको मेडिकल रिलेटेड आइटम्स है, वो बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, दिल्ली से आते हैं और वो सब जितना भी आता है यहाँ कोई भी ऐसे कोई भी चीज़ का कमियाँ नहीं हुआ। जितना ज़रूरत है सभी को हम लोग मुहैया किया पब्लिक को। संजय प्रताप सिंह, DD न्यूज़, ईटानगर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच विशेष सुपर फास्ट ट्रेन सेवा की समय सारिणी जारी की है। इसके अनुसार नई दिल्ली से ये ट्रेन प्रतिदिन शाम को 4:45 पर चलेगी और तीसरे दिन सुबह 7 डिब्रूगढ़ पहुंचेंगी, जबकि डिब्रूगढ़ से प्रतिदिन शाम को 9:10 पर ये ट्रेन वापस दिल्ली की ओर रवाना होगी। ये ट्रेन पूर्वोत्तर के दिमापुर, मरियानी, लोंगडिंग, गुवाहाटी और कोकराझार रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। नई दिल्ली से 15 अप एंड डाउन विशेष ट्रेन सेवा आज से शुरू होने पर लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों ने खुशी का इजहार किया है। वहीं से मैं आई हूँ, कल टिकट बुकिंग हुई है मेरी, ऑनलाइन किया, मेरे एक फ्रेंड ने कर दिया है बुकिंग। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है बेंगलोर। तो अब आप घर जा रही हैं फाइनली, काफी दिन बाद, तो खुशी है आपको? हाँ, खुशी तो होगी ना, क्यों नहीं होगी, 1.5 महीने हो गया, खुशी नहीं होगी किसी को? हम करीबन 2 अपने मोबाइल पे लगातार सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो बहुत बड़ी खुशी बात मिली हमें। करीबन 6:45 हमें टिकट बुक हुआ और उसके बाद करीबन खुशी के मारे हम सो नहीं पाए थे रात में। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। रोगियों को जिंदगी देने में जितना योगदान डॉक्टर्स का है, इससे कम योगदान नर्स का नहीं है। आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगल की याद में
प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की लड़ाई में अग्रणी रहने वाली नर्सों की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में लोगों से अपील की है कि वे मिलकर इन कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद करें जो जोखिम उठाकर दिन रात हमारी सेवा में कार्यरत है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं वर्षगांठ को के अवसर पर वर्ष 2020 को नर्सों और दाइयों का वर्ष घोषित किया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।